हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शॉपिंग एडवेंस सारा में। और आज हम फिर से आए हैं इंद्रलोक मार्केट। ये है हमारे हारून भैया की दुकान। यहाँ पर भी काफ़ी फ्रेश माल आया हुआ था, प्योर के सूट से भी थोड़ा कहते दुपट्टा थे। काफ़ी अच्छी रेंज थी, 1800 रुपीज़ में ये रेंज थी। और ये रेंज थी 1300 रुपीज़ की, प्योर कॉटन विद नेट दुपट्टा। ये वाला सूट भी 1300 की रेंज में था। ये प्योर का सूट था विद ऑर्गेंजा दुपट्टा। हारून भैया की दुकान पर हमेशा आपको अच्छे ही सूट मिलने वाले हैं। इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर आप आ रहे हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा विद कॉटन सूट, काफ़ी अच्छी रेंज रहती है हारून भैया की दुकान पे। ये वाले सूट्स की रेंज 450 थी, काफ़ी अच्छे सूट्स थे। हर टाइप का वैरायटी बहुत ज़्यादा थी भैया के पास। ये बिल्कुल हारून भैया के साथ में बैठे हुए थे भैया, काफ़ी अच्छे सूट्स थे भैया के पास। 450 की रेंज में आपको सूट से शायद कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अब हम आ गए हैं बेडशीट की शॉप पे। यहाँ पे ना बेडशीट्स डेली यूज़ के हिसाब से भी थे, किड्स कलेक्शन भी था, काफ़ी अच्छी बेडशीट्स थी। डबल बेड, सिंगल बेड विद पिलो कवर, हर टाइप की बेडशीट्स थी और ज़्यादातर ब्रांडेड थे। कर पा रहे हैं तो चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे इंद्रलोक मार्केट में। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ पे 650 रुपीज़ में गरारा सेट मिल रहे थे। सेट तो और भी टाइप के थे, प्लाजो सेट्स, कुर्ताज वगैरह यहाँ पे सब अवेलेबल थे। लेकिन मुझे गरारा सेट बहुत प्यारा लगा, दूर से ही नज़र आ रहा था। वैसे भी एक पास 350 से लेकर 650 रुपीज़ तक की रेंज थी। साइजेज़ आपको स्मॉल से लेकर यहाँ पर डबल एक्सल मिलने वाला है। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पार्क के पास ही भैया बैठते हैं, जहाँ पे चतरो वाली मार्केट है, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। 250 रुपीज़ में ये हमेशा भी बताती हूँ आपको, यहाँ पे बनारसी दुपट्टास मिलते हैं टासल के साथ, विदाउट टासल भी। काफ़ी अच्छी रेंज रहती है भैया के पास। अगर आप आ रहे हैं, अगर आप प्लेन सूट बना रहे हैं तो यहाँ से दुपट्टा आप लेके जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी रेंज रहती है भैया के पास। आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग लगी हुई क्योंकि मेरा गला ख़राब है। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। अब हम आ गए बिल्कुल दुपट्टे वाले भैया के अपोजिट। इस शॉप में आपको न्यू बॉर्न से लेकर 11 से 12 साल के बच्चे के कपड़े आराम से मिलने वाले हैं। सारे के सारे जो कपड़े हैं वो सारे के सारे ब्रांडेड हैं और गर्ल्स और बॉयज़ के दोनों मिलने वाले हैं। और वैरायटी भी भैया के पास काफ़ी अच्छी रहती है। और कपड़ों में तो कह सकते हैं कि कपड़े ब्रांडेड हैं सारे, और वैरायटी और डिज़ाइंस हर टाइप का आपको मिलने वाला है। स्पेशली गर्ल्स का नाइट वेयर यहाँ पे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन हम इसे डे वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है भैया के पास। अगर आप इंद्रलोक मार्केट आ रहे हैं तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। डिस्पेंसरी का जो मेन गेट है ना, उस वाली गली से राइट हैंड पे ही भैया की सेकेंड दुकान है। आसानी से आपको यहाँ पर इंद्रलोक मार्केट में मिलने वाली है, आप आइए ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ पे ना बुटीक स्टाइल सूट्स मिलते हैं। अगर आपको इस शॉप पे दुकान का अगर पता चाहिए होगा तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे बुटीक स्टाइल सूट मिलते हैं। अगर आपको ये सूट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सवेरे 8 बजे ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट शॉप पर हमारा गए हैं। यहाँ पे 100 रुपीज़ में बेबीज़ के सूट मिल रहे थे। ये पजामी वाले सूट से, निकर वाले सूट्स भी थे, हर टाइप के सूट से 100 रुपीज़ में यहाँ पर न्यू बॉर्न से लेके 1 से 2 साल तक के बच्चों के आराम से कपड़े मिल रहे थे। अगर आपको इस टाइप के कपड़े चाहिए तो इंद्रलोक मार्केट में चेकआउट कर सकते हैं। अब आ गए हैं नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ पे ना चिकनकारी की मेंस कुर्ता मिल रहे थे, काफ़ी अच्छे कुर्ते थे, सारे के सारे ब्रांडेड थे और सारा का सारा लॉट का माल था। और आप इंद्रलोक मार्केट आ रहे हैं तो इन कुर्ता के चेकअप कर सकते हैं। ये मिल रही थी 200 में, 2 बेडशीट्स, ये पॉलिस्टर में थी और ये दोनों बेडशीट एक साथ जुड़े थे। आपको बीच में से कट करना पड़ेगा क्वीन साइज बेड के लिए। आराम से बेडशीट बनाती है, इसके प्रिंट्स कितने अच्छे थे, बहुत ही प्यारे प्रिंट्स थे। अब हम आ गए नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ पे 40 पीस फॉर मीटर फैब्रिक मिल रहा था। फैब्रिक कॉटन भी था, पॉलिस्टर भी था और नेट का फैब्रिक भी था। नेट का फैब्रिक 30 पीस फॉर मीटर था। ये देखिए काफ़ी अच्छा फैब्रिक था, अपने नेसेसिटी के हिसाब से आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, स्टिच करवा सकते हैं। ये 250 रुपीज़ में बेडशीट्स थी, ये सिंगल बेडशीट थी। 250 से लेके 650 तक इनकी रेंज थी, सारा एक्सपोर्ट का माल था। अब आ गए नेक्स्ट शॉप पे। 60 रुपीज़ पर मीटर में फैब्रिक था, फैब्रिक में कलर की वैरायटी बहुत अच्छी थी। अब हमें नेक्स्ट शॉप पर बिल्कुल उसके सामने ऑपोजिट में 200 रुपीज़ में बेबीज़ के लिए फ्रॉक मिल रहे थे। ये देखिए कितनी अच्छी फ्रॉक है, 200 रुपीज़ में बहुत ही अच्छी फ्रॉक्स थे। मुझे लग रहा था कि न्यू बॉर्न से लेकर 3 से 4 साल की यहाँ पर लड़की का फ्रॉक मिल रहे थे। अब हम आ गए हैं बेकरी वाली गली में। यहाँ पे 200 रुपीज़ में भैया ने ना कुर्ता की सेल लगा रखी थी। एमआर पॉलीमर के भी कुछ सामने बैठते हैं, हमेशा यहीं बैठते हैं। ये बेकरी वाली गली कहलाती है और सारे के सारे भैया के पास ना ब्रांडेड कुर्ते होते हैं। अगर आप आ रहे हैं इंद्रलोक मार्केट तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और आपको मुझे बिल्कुल यकीन है आपको यहाँ पर कुर्ता ज़रूर पसंद आने वाले हैं। ये सारे के सारे भैया के पास ना ब्रांडेड कुर्ते ही मिलने वाले हैं आपको।
और साइजेस भैया के पास स्मॉल से लेकर डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल तक रहता है। इन्हीं भैया ने 200 पीस में सैंडल्स की सेल लगा रखी थी। भैया के पास सैंडल्स स्लीपर दोनों टाइप के फुटवेयर थे, काफ़ी अच्छे फुटवेयर रहते हैं भैया के पास, तो सारे के सारे क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे रहते हैं। हर हफ्ते भैया ने स्लीपर्स की ही सेल लगाते हैं, लेकिन इस वीक इन्होंने कुर्ती भी लगाई थी। देखिए सैंडल स्लीपर बहुत अच्छे थे। उन्हीं के बिल्कुल भैया के इन्हीं भैया के सामने नरेश भाई बैठते हैं। 200 रुपीज़ में ये हर हफ्ते बच्चों के सैंडल की सेल लगाते हैं। ये देखें काफ़ी अच्छी रेंज थी भैया के पास, और सारा का सारा माल लॉट का और सारा आपको ब्रांडेड मिलने वाला है यहाँ पर। ये देखिए क्वालिटी वाइज वैरायटी वाइज आपको नरेश भाई की दुकान पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलने वाली है, और साइजेस सारे अवेलेबल रहते हैं। 10 से 12 साल के बच्चों के लिए आराम से आपको यहाँ पे साइजेस अवेलेबल रहेंगे। अगर आप आ रहे हैं तो चेकआउट कीजिएगा। देखिए सब तो मैंने लाइट वाले शूज़ भी इंट्रोड्यूस किए थे। हम आ गए नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ पे 450 रुपीज़ में कॉटन के सूट्स थे, एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स भी थे और पॉलिस्टर में भी थे, लेकिन ज़्यादातर समझ के हिसाब से भैया के पास सूट थे। 450 में काफ़ी अच्छी रेंज थी भैया के पास। ये भैया ने खोल के भी दिखाया। 450 रुपीज़ में ये पिंक कलर का सूट सोरोस्की वर्क के साथ था, स्टोन वर्क भी कह सकते हैं, और दुपट्टा पे ना लेस लगी हुई थी एम्बेलिशमेंट के लिए। ये देखिए काफ़ी अच्छा सूट था 450 में। अब आ गए हम दूसरे शॉप पे। यहाँ पे 1300 से लेके 1600 रुपीज़ में सूट्स थे। ये सारे हैवी सूट्स की रेंज थी, स्पेशली हम ब्राइडल कलेक्शन कह सकते हैं। डेली वेयर के लिए भी कुछ सूट्स यहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन ज़्यादातर ब्राइडल कलेक्शन ही था। ये देखिए काफ़ी अच्छे सूट्स थे भैया के पास, और रेंज और इसका वर्क अगर आप देखेंगे तो ऐसा वर्क आपको नहीं मिलने वाला। अगर आपको इस शॉप का पता करना है या फिर एड्रेस चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस शॉप का एड्रेस कहाँ है, तो मैं आपको बता दूँगी। देखिए सूट्स की रेंज भी काफ़ी अच्छी थी और सारा महीन और बारीक काम हुआ हुआ था। ये देखिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ पे 650 रुपीज़ में ना करारा सेट मिल रहे थे, कलर रेंज भी काफ़ी अच्छी थी, साइज भी सारे अवेलेबल थे। ये बेकरी वाली गली में ही कोने पे बेच रहे थे, और इनके पास ना ये पे अनसे सूट भी थे। ये सारे कॉटन के सूट थे 350 रुपीज़ में। ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने खुलवा के देखा। कलर वाइज और डिज़ाइन वाइज ये सूट मुझे बहुत प्यारा लगा। समर्स में काफ़ी ठंडा रहने वाला कलर है। ये देखिए बहुत प्यारा लगा मुझे ये कलर। ये 250 रुपीज़ में साड़ीज़ थी भैया के पास ना, हर हफ्ते साड़ीज़ का कलेक्शन बदलता रहता है। डिस्पेंसरी वाली गली में ही थे। ये देखिए 250 रुपीज़ में भैया के पास साड़ीज़ का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। हाई रेंज भी जा रही थी 350-450 तक भैया के पास साड़ीज़ थी, लेकिन जो समर से पहनने के हिसाब से साड़ी थी उन्होंने वो चेकआउट करने की कोशिश की थी। इवन 60 रुपीज़ में ना बॉयज़ के कपड़े मिल रहे थे, कह सकते हैं टी शर्ट्स। अगेन क्वालिटी वाइज ये कपड़े बहुत अच्छे थे, सारी क्वालिटी ब्रांडेड टाइप की थी और काफ़ी अच्छे कपड़े थे। अगर आप आ रहे हैं इंद्रपुर मार्केट तो आपको बच्चों के यहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं। चेकआउट करते हैं नेक्स्ट शॉप। यहाँ पे 350 से लेकर 650 तक के सूट थे, लेकिन ये कॉटन में नहीं थे, सारे साटन में पॉलिस्टर टाइप के कपड़ों में थे, लेकिन रेंज काफ़ी अच्छी थी। ये 60 रुपीज़ फैब्रिक मिल रहा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे फैब्रिक, लेकिन ये सर्दियों के हिसाब का फैब्रिक था, कॉटन भी था भैया के पास। ये देखिए काफ़ी अच्छा फैब्रिक था भैया के पास, अगर पा रहे हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। ये 40 रुपीज़ पर पीस मिल रहा था, एक एक मीटर के पीसेस थे, और ये वाला फैब्रिक था 120 रुपीज़ पर मीटर में। अब हम आ गए हैं बेकरी वाली गली से राइट हैंड साइड वाली पार्क वाली गली में। यहाँ पे हर हफ्ते भैया 150 रुपीज़ में सेल लगाते हैं शूज़ की, रेंज काफ़ी अच्छी रहती है। लेडीज़ और जेंट्स और बच्चों के भी कभी कभी यहाँ पे भैया लगा लेते हैं। और उनकी नेक्स्ट वाली शॉप पे यहाँ पे फैब्रिक मिलता है 150 रुपीज़ से लेकर 250 रुपीज़ पर मीटर में। रेंज और भी ऊपर जा सकती है, लेकिन इन वाले भैया की दुकान पर ना फैब्रिक बहुत अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक यहाँ पे मिलता है। हर टाइप का फैब्रिक यहाँ पे मिलने वाला है। बुटीक स्टाइल फैब्रिक आपको ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप गाउन वगैरह लहंगे वगैरह सिलवाते हैं बुटीक से या फिर टेलर की शॉप से, तो आप यहाँ से फैब्रिक ले जाइए और सिलवाइए, देखिए कितने अच्छे लगने वाले हैं। पूरी इंद्रलोक मार्केट में आपको ऐसा फैब्रिक कहीं नहीं मिलने वाला है। आप पूरी इंद्रलोक मार्केट को चेकआउट कीजिए, फिर इन भैया के पास आइएगा। देखिए आपको ऐसा फैब्रिक कहीं नहीं मिलने वाला है, इस चीज़ की तो मैं गारंटी ले रही हूँ। आप इतना मतलब मार्केट आइए तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मैंने बता दिया है लोकेशन। अब नेक्स्ट शॉप पे आ गए। यहाँ पे 160 रुपीज़ में ना बच्चों के कपड़े मिल रहे थे, ये जोड़ों मिल रहे थे, किसी के साथ पजामी थी तो किसी के साथ निक्कर था, सारे के सारे अगेन ब्रांडेड थे। बच्चों के हिसाब से यहाँ पे इंद्रलोक मार्केट में तो आपको पता ही है कि कपड़े कितने अच्छे मिलते हैं, लेकिन मैं हर हफ्ते बस वैरायटी यहाँ पे चेंज होती रहती है, तो मैं चेकआउट करने की कोशिश करती हूँ।
बिल्कुल भैया के सामने 10 रुपीज़ पर आइटम में यहाँ पे सामान मिल रहा था। स्टार्टिंग रेंज थी 10 रुपीज़, लेकिन आगे रेंज ऊपर होती रहती है जैसे जैसे सामान होता है, लेकिन 10 रुपीज़ स्टार्टिंग रेंज होती है भैया के पास। यहाँ पे ज़्यादातर इनके पास कस्टम का सामान मिलता है। अब आगे नेक्स्ट शॉप में यहाँ पे 250 रुपीज़ में ना बॉयज़ के कपड़े मिल रहे थे, काफ़ी अच्छे कपड़े थे, ट्रेंडेड एजेंसी भैया के पास, वैरायटी काफ़ी अच्छी थी। ये देखिए 250 रुपीज़ में जो भी गर्ल्स के कपड़े दिखाए थे ना मैंने, उनके साथ वाली शॉप पर ही यहाँ पर 250 रुपीज़ में बॉयज़ की रेंज थी, काफ़ी अच्छी रेंज थी। भैया ने साथ में गर्ल्स की रेंज भी लगा रखी थी, मैं देखी नहीं थी कि अंदर की साइड थी। ये देखिए रेंज काफ़ी अच्छी है गर्ल्स की भी। कुल मिला के ना इंद्रलोक मार्केट में इस टाइम बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिल रहे हैं, अगर आपके छोटे बच्चे हैं चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉप पर ही यहाँ पर ना ग्लास का सामान था भैया के पास, भैया के पास ग्लासेस की, प्लेटर्स की, बोल्स की काफ़ी अच्छी रेंज थी। अगर आप इंद्रलोक मार्केट आ रहे हैं तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में भैया के पास ना स्टील के सामान की भी रेंज थी, चम्मच वगैरह हो गए, इस टाइप के सामान की सब भैया के पास काफ़ी अच्छी रेंज थी। वहाँ गए नेक्स्ट शॉप पे, यहाँ पे 130 रुपीज़ में ना बच्चों के शूज़ मिल रहे थे, 11 नंबर तक थे, यानी कि यहाँ पर 6 से 6 साल तक के बच्चे के आराम से शूज़ मिलने वाले हैं। काफ़ी भैया के से मैं लेती रहती हूँ, काफ़ी अच्छी रेंज रहती है 130 रुपीज़ की। यहाँ पे ये पार्क के कोने पर ही हर हफ्ते सेल लगाते हैं। अब हम आ गए नेक्स्ट शॉप पे, यहाँ पे गाउन्स थे, गाउन्स थे 500 से स्टार्टेड, नेट्स के गाउन थे और एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, हर टाइप का यहाँ पे गाउन था, लेकिन रेंज काफ़ी अच्छी थी भैया के पास। अब फैब्रिक वाइज भी गाउन्स बहुत अच्छे थे, मुझे गोल्डन वाला बहुत पसंद आया है, इसकी प्राइस थी 2500 रुपीज़। ये लहंगा सेट था लेकिन कंटेम्प्रेरी स्टाइल में था, दैट बटरफ्लाई गाउन ऑल्सो लुकिंग सो गुड, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये देखिए गाउन्स की रेंज भैया के पास काफ़ी अच्छी थी, वैरायटी वाइज भी काफ़ी अच्छे थे, और फुल फ्लोर लेंथ कह सकते हैं, यानी कि लंबे से लंबे लड़की को ये आने वाले हैं आराम से। अगर आप इंद्रलोक मार्केट आ रहे हैं तो भैया के पास चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इस शॉप का एड्रेस चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सॉरी अगेन मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, सो ठीक से रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और मेरी रिकॉर्डिंग और भी अच्छी हो पाए। अगेन गाउन्स पे आते हैं, देखिए गाउन्स की रेंज बहुत अच्छी थी। अब हम आ गए हैं झूले वाले पार्क के कॉर्नर साइड पे, लेस वाले भैया हर हफ्ते यहीं बैठते हैं। अगर आपको ट्रेंडी और स्टाइलिश लेसेस की तलाश है इंद्रलोक मार्केट में तो आप यहां से आके बाय कर सकते हैं। यहां पे ना लेसेस की रेंज आपको बहुत ही स्टाइलिश और बहुत प्यारी मिलने वाली हैं, और काफ़ी रीजनेबल रेट भी रहते हैं, भैया नेगोशिएट भी कर लेते हैं प्राइस। अब बाकी आप तो बार्गेनिंग स्किल पर ही आपका डिपेंड करता है कि आप कैसी लेसेस किस दाम में ले जा सकते हैं, लेकिन गाउन सलेंगे के लिए इससे अच्छी लेसेस पूरे इंद्रलोक मार्केट में आपको नहीं मिल सकती है। तो ये थी इंद्रलोक मार्केट की हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। हमारा चैनल है शॉपिंग आइडिया सारा, और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत